All okay? Happy. Happy. नरम है क्या? सुना बेसन के लड्डू आप बहुत गजब के बनाते। Epic. नदी थी। कितने साल हो गए? अब पता नहीं वैसे बने। Oh, it's time. I've got. आज मैं एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, अली बाबा की गुफा का। So, खुल जा सिम सिम। तो आज जो शख्स हमारे बीच है उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सबको देना चाहता हूं। 5 साल पहले एक तारा आसमान से जमीन पर उतरा, एक नया रास्ता उसने हम सबको दिखाया। इतनी उस तारे की रोशनी कि देखने वाले को रास्ता ही दिख गया। इतना बड़ा गुरु मंत्र सिखाया कि बुद्धि तो बड़ी और साथ में मजा भी आ गया। आज वो तारा हमारे कैंपस में उतरा है। बेवकूफ तो हम थे जो उन्हें इडियट समझ बैठे, ये तो उनकी जर्रा नवाजी थी। I hope you give us your mantra today. Oh. What is the mantra? The mantra that kills. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's welcome Mr. Bud Spargel. Not well. Mantra man, yes. Ear pocket. Everybody?
Loud and clear. Sir, any special message today? हर दिन नया दिन, हर रात नई रात, और नए दिन के लिए एक नया मैसेज जो मैंने सीखा 55 की उम्र में। कोल्हापुर एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, कूप मंडुक था। समझ में आता? कुएं का मेंढक यही सोचता है, मेरा तालाब मेरा विश्व है और मेरे विश्व के बाहर कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है क्या? सब समझते हैं कि इडियट सब जानता है, आप लोग समझते हैं कि इडियट सब जानता है, ये मंत्रा मैन मंत्रा भाई साहब हमसे मंत्रा मांग, इनको भी लगता है कि मैं सब जानता हूं। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों से मैं जानने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। As Confucius says, real knowledge is to know the extent of your ignorance. आईने में देखा तो अपने आप को मेंढक के रूप में पाया, क्रक क्रक क्रक, तब समझ में आया कि मैं भी इस जाहिल जगत का एक छोटा सा अंश हूं, कूद रहा अंदर ही अंदर। तब ये मोटा काला मेंढक काली पीली में बैठा। सर, खाली पीली? नॉट खाली पीली मैन, काली पीली, काली पीली, ब्लैक इन येलो, ब्लैक इन येलो, ब्लैक इन येलो। बताइए आपका उम्र कितना होगा? हमारे जन्म पत्रिका से हमारा जो है वो 87 चल रहा। आपको बराबर से दिखता है ना? तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? आंखें बंद करके चलती है। रोड पूरा दिखता, देखो बीड़ी जला रहा है, पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है। कितने साल से चला रहे? कभी बैठे स्टीयरिंग व्हील के पीछे? 79 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 59 1990 से 73 से चलाया, 80 से चला। इतना साल हो गया, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले मैं बड़ी गाड़ी चलाता था जवानी के वक्त। सेंचुरी मिल में काम करता था। चाचा बताइए घर में कौन कौन है? मैं ये लोग हूँ दुनिया में आती है, लड़के हैं, पोती है, पोता है, सब तो है, सबकी शादी ब्याह किया, सब कुछ किया, सब अपने अपने मन के हैं। तो जब तक हाथ पैर चल रहा है, मालिक दे रहा है, तो उसके लिए करेंगे। बाकी ऐसे बहुत कम होते हैं जो कि माँ बाप को माने। बच्चे खा जाते हैं, जो भी कमा के लेके जाता हूँ शाम को खाली हो जाता है। बच्चा ने सहारा दिया हमारे को तब तो आराम से निकल गई अपनी जिंदगी, नहीं सहारा दिया तो अब तो जो किस्मत में लिखा रहेगा उसको बच्चा ही आपको दुनिया वाला टालने वाला है, काटने वाला है। बताइए आप कुछ रिटायर होने का कुछ सोचा आपने? लास्ट ब्रीथ ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और है तो भीख मांगो सड़कों पे, ये है दैट आई डोंट लाइक। जब तक हमारा हाथ पांव आंख बराबर रहेगा तब तक चलाऊंगा, तब तक काम करूंगा, और अल्लाह की जीवन ताकत फिजिकल और मेंटल और नज़र देखो चश्मा नहीं लगाया अभी तक 75 की। तो चाचा आप कब घर में बैठना चाहेंगे आराम से? सर अगर घर पे मैं बैठ जाऊंगा घर पे गुड़िया को क्या खिलाऊंगा? घर पे क्या खिलाएगा?
what that man said to me. You don't seem to be the lot who worries too much about ghar mein kya khilayega, right? Yeah. Papa hai, mummy hai, feeding my tummy hai, everything yummy yummy hai, sab kuch theek hai. Service ka matlab kya hai? You. Yes, 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 you. Savings ka matlab kya hai? I don't know sir, pata nahi. Are we talking about financial terms? Savings. Necessary, but I don't have any right now. Savings, none. I don't know how to answer that. Money doesn't stay in hands. It just has to get out. I save memories, I save a lot of things. Agar din ka ek rupaya bacha lo bahut hai. I'm someone who binges on things that I don't need. So I don't really believe in savings until I start earning. Much of banking theory. I don't think we've reached that stage yet that we are supposed to save for the future and all. We're still very dependent on our family. Saving kidhar karte hain, sab to uda dete hain. Unko kadar nahi na paise ki. I try and I fail. I don't know. I plan on having two nice kids who take care of me. Saving kya kar sakte? You should ask my dad about it. So is umr mein aap sochte hain ki mummy daddy sab sambhal lenge, right? अरे कब तक ये चलेगा? इंडिपेंडेंट कब होंगे? अरे दुनिया में देख, बच्चे लोग कॉलेज फीस भरने के लिए नौकरी करते हैं, खुद भरते हैं. डैडी फी, डैडी ये, मम्मी दा. अरे अब बस करो यार, नहीं तो पछताओगे. यू विल रिग्रेट इट ऑल योर लाइफ. चलो मैं कहानी सुनाता हूं. श्रवण कोपकर का घर है? नहीं, हमने रेंट किया है. ओ, वेयर इज ही? नहीं मालूम. नहीं, हमने ब्रोकर के थ्रू डील किया है. आपको उसका पता है? ओ, गैस पे सब्जी रखी है, जाना पड़ेगा. हाँ सॉरी. काका, अरे काका मुझे पहचाना नहीं? नहीं, खोपकर के घर लड्डू. अरे काका मैं लड्डू. अरे बेसन का लड्डू. तू है किधर है तू आजकल? अरे मैं जिधर भी हूँ, लेकिन आप क्यों इधर हो? स्टूल अभी तक छोड़ा नहीं. क्या उम्र है आपका? 84. ये स्टूल कब छोड़ने का प्लान है? मतलब नौकरी छोड़ेगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन तू कैसे आया आज? हमारे स्कूल का रियूनियन है, श्रवण को ढूंढने आया, मगर यहाँ कोई है ही नहीं. इतना साल के बाद आएगा तो कैसा पता चलेगा? 40 साल हो गया काका, 40 साल हो गया. वो कहाँ हो? अमेरिका. उसका भाई था ना, उसका नाम क्या है? वो श्रीकांत. वो हांगकांग में है. उनकी मम्मी मतलब? ओ है उधर नायगांव में वृद्धाश्रम. वृद्धाश्रम जानता है? बुढ़े लोगों का घर. ओल्ड फोक्स होम. क्यों? अब क्या बताएगा, ये तो भाड़े के ऊपर दे दिया. भाड़ा ले रहे, उसमें से 5,000 देकर माँ को उधर रख दिया. मम्मी को मिलने कोई जाता है? मैं जाता हूँ संडे को, छुट्टी होती है ना, मूंगफली उबाल के लेके जाता हूँ. No. No, all is not well. The lighthouse lies abandoned, punished by the high tide.
lashed by incessant rain. मूंगफलियां ज्यादा उबलेंगी तो नरम हो जाएंगी. नरम ही ठीक है, क्या पता दांत है या नहीं है. राधाबाई कोपकर. अच्छा तो आप राधाबाई कोपकर जी से मिलने आए हैं. इतने साल कोई उन्हें मिलने नहीं आया, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? नहीं सर, मैं उनके छोटे बेटे का दोस्त हूँ. इतने साल आप आए नहीं? बचपन का. हो बचपन. और आप सर? मैं डॉक्टर सिरसेकर, इस आश्रम का संचालक. नाइस टू मीट यू डॉक्टर. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये बताइए ये चक्कर क्या है? सब लोग एक एक करके मुझे इतना प्यार से आशीर्वाद दिया, मेरा हाथ पकड़ा, जैसा उनका स्पर्श मुझे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा. बराबर है, सभी लोग इसीलिए तो यहाँ आते हैं आशीर्वाद मांगने. डॉक्टर साहब यहाँ क्यों? आई मीन उनके बच्चे. क्या जरूरत है, मैं उनका बेटा हूँ, ये सब मेरे आए हैं, दे आर ऑल माई मदर्स. डॉक्टर साहब वेल सेड, डॉक्टर साहब वेल सेट. खोपकराजी हे बघा कोण आले तुम्हाला भेटायला. साहेब खोपकराजी. थँक यू सर. पहचाना मुझे? कोण आहे रे बाबा तू बोल मटोल. लड्डू. हाँ बेसन लड्डू. क्या मेमोरी है मौसी, क्या मेमोरी है. मैं कुछ चीज भूली नहीं, हर चीज मुझे याद है. इतना सा था तू, दांत भी नहीं निकल आए थे. इन हाथों से लड्डू बनाया, छोटा छोटा निवाला मुझे खिलाया, मुझे भी याद है ना. कैसी है तू? मस्त हूँ अभी. कल परसों श्रवण का फोन आया था, उसका बेटा इतना बड़ा हो गया. और मेरा बड़ा बेटा शिकन हांगकांग में है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा आदमी है. उसके दो बेटे हैं आयान और आर्यन, अभी 10वीं की परीक्षा खत्म करके आएंगे मिलने. मतलब अभी तक मिलने आए नहीं? अरे कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे, बच्चों का स्कूल चलता है ना, परीक्षा होने पर आने वाले हैं मिलने को. तब तक मुझे फोन दिया बात करने को. देख अकेले
गए थे हम तो बिन बुलाए अकेले आ गए थे हम तो बिन बुलाए सीने से लगे जुमा के तो सवर गए निकल गए महकती वो मिट्टी मजारे बचपन की महकती वो मिट्टी मजारे बचपन की अपने ही पांव तले कुचल गए राधाबाई खोपकर के पास क्या था एक कॉट एकनाथ रघुनाथ कामले के पास क्या था एक स्टूल गुलाम मोहम्मद शेख के पास क्या था एक कार सीट और एक स्टीयरिंग क्या ये काफी है राधाबाई खोपकर के पास दो बच्चे हैं गुलाम मोहम्मद शेख के पास चार है एकनाथ जी के पास पांच है फुल टीम होने के बावजूद इनिंग्स डिफीट क्यों देयर इज नो 12th मैन राधाबाई खोपकर के पास एक तीसरा बेटा होना जरूरी था गुलाम मोहम्मद शेख के पास पांचवा बेटा होना जरूरी था बेटा या बेटी मर्दों की पंचायत में लड़की का नाम लेना कतरे से खाली नहीं है फिर भी मैं कहूंगा बेटे से बेटी बनी पूछती तो है ये जो 12th मैन हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है सर विकास सर सिद्धार्थ लाइक गौतम बुद्ध अच्छा नाम है बट इट डजंट सूट आवर पर्पस सर बताइए ना क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो थर्ड सन का नाम सेविंग्स तीसरा बच्चा बचत तीसरा हो या पांचवा हो या आठवां हो 12th मैन का काम करेगा एक ही फिलॉसफी है बचत की फिलॉसफी खर्चा करने से पहले बचत करो खर्चा करने के बाद करोगे तो कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं राधाबाई खोपकर ने एक एक पैसा एक एक रुपया बेटों की पढ़ाई में लगा दिया और गुलाम मोहम्मद शेख ने बेटियों की शादी की और बेटों को तालीम दी और कुछ बचा नहीं और 84 साल के एकनाथ जी 84 में आके स्टूल पे बैठ गया और अभी तक उठा नहीं और उठेगा भी नहीं वहां पहुंचना चाहेंगे हम किसको चाहिए एक कॉट एक स्टूल एक कार सीट हाथ ऊपर करो तीन ही वैकेंसी है जल्दी मौसम जो पलटा संग हम भी पलटे जो पलटा
संग हम भी पलटे मौसमों की तरह बदल गए रोते रोते पहुंचे हम तो हाय हाय गोदी मिली जो माँ की तो संभल गए खोपकरा जी किधर है? डॉक्टर सिरसेकर, मैं आपकी एक माँ को लेके जा रहा हूँ, माफ करना मगर मैं काली हाथ नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन। अकेले आ गए थे हम तो बिन बुलाए सीने से लगे जो माँ के तो संवर गए Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.